हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो लगभग पूछा जाता है आपका पीएससी हो, नेट हो, गेट हो या फिर कोई भी सेट हो, सब में आपका इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आता है। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रोन्सकीन। ठीक है, इससे रिलेटेड सीएसआईआर में भी मतलब हर बार लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अभी आपका सीएसआईआर का ही पेपर आ रहा है नज़दीक। सो पहले हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रोन्सकीन के लिए सपोज आपके पास एक ओडी दी रखी है, लीनियर ओडी, लीनियर ओडी ही दे रखी है ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें डिफाइन किया है कि इस टाइप को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे ए एन डी एन, सॉरी डी एन वाई डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस ए नॉट इक्वल टू समथिंग एफ एक्स। ठीक है, ये आपका लीनियर ओ डी हो गया ऑफ ऑर्डर एन। अब जैसे अगर इसके कुछ सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं, सपोज मैंने फाई वन एक्स, फाई टू एक्स, ये आपके कुछ सॉल्यूशंस हो गए। अभी एन डिग्री का है तो इसके आपके पास एन सॉल्यूशन होंगे, फाई एन एक्स। ठीक है, तो इनका आपको अगर रोन्सकीन निकालना होगा तो इसको हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू ऑफ फाई वन, फाई टू, फाई एन। ठीक है, और अब ये निकालते कैसे हैं, तो इसमें कुछ नहीं आपको करना है, एक मैट्रिक्स फॉर्म करिए, फाई वन, फाई टू, अप टू फाई एन। सेकेंड रो में आप लिखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फाई टू डैश एक्स, फाई एन डैश एक्स। ठीक है, ऐसे ही आप इसका डेरिवेटिव करते जाइए और एन माइनस वन डेरिवेटिव इसके लिख दीजिए, फाई टू एन माइनस वन एक्स, फाई एन एन माइनस वन एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट रो में आप इस फंक्शन को लिख दिए, सारे फंक्शंस को, सेकेंड रो में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड रो में सेकेंड डेरिवेटिव, तो nth रो में आपका n माइनस वनth जो डेरिवेटिव है वो आपने लिख दिया सब फंक्शंस का। अब ये जो मैट्रिक्स बन गई इसका सिंपली क्या ले लीजिए, डिटर्मिनेंट, बस यही आपका क्या हो गया, रोन्सकीन हो गया, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया इन जनरल, अगर आपको एन डिग्री का पॉलिनोमियल, सॉरी एन डिग्री की लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसके आपके पास सॉल्यूशंस हैं, एन सॉल्यूशंस हैं, तो उनका अगर आपको रोन्सकीन फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली इस वाले फॉर्मूला से कर सकते हो। ये तो आपके हो गया एन ऑर्डर का जो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट एक और हमारे पास फॉर्मूला है टू डिग्री के, टू ऑर्डर के लिए, जो कि मोस्टली आपका काम आता है, लगभग उसी से आपका रोन्सकीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी देखते हैं। ये आपका एबल फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं एबल्स फॉर्मूला, एबल्स फॉर्मूला फॉर रोन्सकीन। ठीक है, ये भी बहुत काम का है आपके लिए। ये क्या कहता है कि सपोज आपके पास इस टाइप से कुछ सेकेंड ऑर्डर का आपके पास लीनियर होमोजीनियस ओडी दे रखी है, ए नॉट एक्स डी डी टू प्लस ए वन एक्स, मतलब ये ए नॉट ए वन जो है वो आपके एक्स के फंक्शन हो सकते हैं, तो इसने ये इस टाइप से डिफाइन कर दिया है लीनियर होमोजीनियस ओडी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ए नॉट है वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है। सो यहाँ पे ए नॉट आपका जीरो होना चाहिए, और जो ए वन और जो ए टू है वो आपके क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन आई। आई मीन्स जिस इंटरवल पे आप बात कर रहे हैं, जैसे आप, आपको ये जो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये आप जानना चाह रहे हैं कि इसके जो सोल्यूशन है इनका रोन्सकीन, सपोज जीरो से वन की आप बात कर रहे हो या फिर जीरो टू इन्फिनिटी बात कर रहे हैं, है ना, तो आपका किस इंटरवल पे आप बात कर रहे हैं, उस इंटरवल पे जो ए वन और ए टू जो हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। तो अगर ये सब चीज़ें हैं
तो जो रोन्सकिन होता है W ऑफ एक्स, वो आपका इस फॉर्मूला से होता है सी ओ सी इंटू ई टू द पावर ए वन एक्स माइनस ए नॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आपका इस फॉर्मूला से दिया जाता है, ये वाला फॉर्मूला आपका काम का है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ए वन एक्स है, ये आपका डी का कोफिशियंट है, ए नोट जो है वो डी स्क्वेयर का कोफिशियंट है, तो ए वन अपॉन ए नोट एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन कीजिए माइनस ऑफ ई टू दी पावर में, और यहाँ से आपका रॉन्सकिन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास टू डिग्री का टू ऑर्डर का जब दे रखा हो आपके पास लीनियर ओडी लीनियर होमोजीनियस, ठीक है, तब आपका ये फॉर्मूला काम आता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है जिससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आता है, वो आता है कि अगर आपका रॉन्सकिन जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है, तो आपका जो रॉन्सकिन है वो या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ऑलवेज नेगेटिव ऑन आई। मीन्स ये क्या कह रहा है कि अगर आप एक किसी सपोज एक इंटरवल पे बात कर रहे हैं, तो अगर आपका रॉन्सकिन इस पॉइंट पे पॉजिटिव है तो वो थ्रू आउट इस जो इंटरवल है उसमें पॉजिटिव ही होगा, ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पे पॉजिटिव होगा और किसी पे नेगेटिव होगा, नहीं, थ्रू आउट इस जो इंटरवल है इस पे पॉजिटिव होगा, अगर किसी पे नेगेटिव है तो वो थ्रू आउट इस इंटरवल पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी जो है इसकी बहुत काम की प्रॉपर्टी होती है, कई बार यहाँ से आप जो ऑप्शंस होते हैं वो डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर नॉन जीरो है तो अगर इस एक पॉइंट पे अगर आपका रॉन्सकिन जीरो आ गया तो वो थ्रू आउट इस पूरे इंटरवल पे जीरो ही होगा, ठीक है, और अगर नॉन जीरो है तो वो कभी भी जीरो नहीं आएगा इस इंटरवल पे, ये बहुत बहुत काम की प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। अब आपका जो ये इसी जो टू ऑर्डर का जो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है होमोजीनियस, इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें और जो रॉन्सकिन होता है उसमें कुछ एक कनेक्शन है जो बहुत काम का कनेक्शन है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो मैं इस टाइप से ये लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ये सेम वही बात है आपका ई टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आपको ओडी दी हुई है जहाँ पे सेम कंडीशन आपका ए नॉट एक्स आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ए वन ए टू जो है वो आपके कंटिन्यूस होना चाहिए इस इंटरवल पे, फॉर ऑल एक्स ये कंटिन्यूस होना चाहिए। अब सपोज कीजिए वाई वन एंड वाई टू आर टू सॉल्यूशंस ऑफ सपोज इसको मैंने इक्वेशन नंबर नाम वन दे दिया, तो सॉल्यूशन ऑफ वन, हमने इसके दो सॉल्यूशन मान लिए हैं वाई वन और वाई टू। अब इसके बाद क्या रिजल्ट्स हैं, ये कह रहा है कि अगर वाई वन एंड वाई टू ओके ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आती है, वाई वन एंड वाई टू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस इफ एंड ओनली इफ रॉन्सकिन ऑफ वाई वन वाई टू इज नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, ठीक है। अगर आपके पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो उनका जो रॉन्सकिन है वो नॉन जीरो होगा उस इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे, और अगर कोई आपको इंटरवल दे रखा है और उसके सारे पॉइंट्स पे आपका रॉन्सकिन नॉन जीरो हो रहा है तो वो आपका जो सॉल्यूशन है वो एल आई हो जाएंगे। अब सिमिलरली अगर आप एल डी की बात करें, ठीक है, तो एल डी होंगे इफ एंड ओनली इफ इनका जो रॉन्सकिन है वो जीरो हो जाए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। ओके, सो यहाँ से जैसे आपको कई बार क्वेश्चन में दे सकता है कि आप वहाँ से रॉन्सकिन पता लगाएं और वहाँ से नॉन जीरो आ जाए, तो वहाँ पे पूछ सकता है इसके जो आपके पास जो गिवन लीनियर ओडी है उसका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप के होंगे, तो यहाँ से ये चीज़ आपके इस टाइप से पूछा जा सकता है, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे अभी। ओके, सो
ये दो रिजल्ट हो गए। एक रिजल्ट अभी हमने देखा था कि अगर आपका जो रोन स्किन है वो या तो जीरो ही होगा या फिर नॉन जीरो ही होगा किसी इंटरवल पे, और नॉन जीरो हुआ तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके। अब इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं जो पूछा गया है आपका। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एक बार देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन क्या है आपका, लेट y1 and y2 बी टू सॉल्यूशंस, ऑफ y डबल डैश प्लस PXY डैश प्लस QXY इक्वल टू जीरो। ओके, इफ y1 इक्वल टू e to the power 2x एंड y2 इक्वल टू x e to the power 2x, देन वैल्यू ऑफ P0 इज। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास एक आपको सेकेंड ऑर्डर की जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इनफैक्ट लीनियर होमोजेनियस ऑडी दे रखी है जिसके दो सॉल्यूशंस है y1 y2, और ये सॉल्यूशंस भी आपको दे दिए हैं कि क्या सॉल्यूशंस हैं। अब पूछ रहा है कि P0 क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अपने रोन्सकिन के आपके पास दो फॉर्मूला है, एक तो आप मैट्रिक्स फॉर्म से निकालते हैं, दूसरा हमने एबल्स फॉर्मूला पढ़ा है। तो अब देखते हैं कहाँ से क्या निकल के आपके आता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमें पता है कि जो पी है, ये जो कोफिशियंट्स का टर्म आता है वो एबल फॉर्मूला में हम लोग यूज करते हैं। तो एक बार हम एबल फॉर्मूला लिखते हैं। एबल फॉर्मूला आपका होता है डब्ल्यू ऑफ एक्स सी टाइम्स ई टू द पावर वाई डैश का कोफिशियंट माइनस टाइम्स पी एक्स अपॉन में y डबल डैश का कोफिशियंट, तो y डबल डैश का कोफिशियंट 1 हो गया इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे P0 की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो सॉरी P0 की बात कर रहा है तो मीन्स W0 की बात कर रहा है ना, सी ई टू द पावर माइनस P0 डी एक्स इस टाइप से। तो एक चीज़ और हमें पता है कि रोन्सकिन ऑफ एक्स आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का जो रोन्सकिन निकालेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो एक बार हम निकाल के देखते हैं, ई टू द पावर 2x एक्स ई टू द पावर 2x, अब इसका डेरिवेटिव करिए तो 2e to 2x, और इसका करेंगे तो आप एक बार ये हो गया प्लस 2x e to the power 2x। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट आपको कहाँ निकालना है, एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो या तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के फिर से आप इसका जीरो पुट कर दीजिए, इसके अंदर ही पुट कर दीजिए। तो सिंपली यहाँ पे अगर आप जीरो पुट, ठीक है, पुट करते हैं तो आपका हो गया 1, ये ज़ीरो ही हो गया, ये हो गया 2, यहाँ से 0 और ये 1 हो गया। ठीक है, तो आपका ये हो गया 1 हो गया आई थिंक। ये 2 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये 1 हो गया। अब आपका अगर यहाँ से निकालेंगे डब्ल्यू ऑफ 0 आपका 1 हो गया सी ए टू द पावर माइनस पी ऑफ 0 डी एक्स, सॉरी ये इक्वल टू है, तो यहाँ से जो सी आ गया आपका, बट यहाँ से तो कुछ आया नहीं है आपको, हम कुछ कंक्लूजन पे नहीं लग पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं। ओके, एक चीज़ ट्राई करते हैं, हम लोग यहाँ पे 0 नहीं पुट करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए नहीं करते हैं, पर फिर देखते हैं क्या होता है। तो आपका ये चीज़ आ जाएगा ई टू द पावर 4x प्लस 2x ई टू द पावर 4x माइनस 2x ई टू द पावर 4x, तो ये चीज़ कट गया, इक्वल टू आपका ई टू द पावर 4x बच गया। ठीक है, ओके, और
आपका यहाँ से आपका सिंपली आप यहाँ पे सी अगर वन ले लेते हो, आपका रोन्सकीन ऑफ एक्स आपका आ गया, सॉरी ई टू द पावर माइनस पी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ई टू द पावर 4x आ गया डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो यहाँ पे 4x इक्वल टू ये चीज़ आ गया, और इंटीग्रेशन में तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दीजिए, तो 4 इक्वल टू पी एक्स माइनस ऑफ, इसका मतलब आपका पी एक्स जो आ गया -4 आ गया, ठीक है। तो इसके कुछ ऑप्शंस भी थे, ये आपके गेट 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आई थिंक इसके कुछ ऑप्शंस थे, हाँ इसके ऑप्शंस में एक बार लिख देती हूँ, 4 -4 2 और -2, तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगी। तो अब हम अगर जैसे 0 ले रहे थे है ना, तो 0 पे तो हमारा यहाँ पे 1 आ रहा था, तो यहाँ से पी एक्स के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो वहाँ से हम लोग थोड़ा स्टक हो जा रहे थे, तो वहाँ से कुछ निकल नहीं पा रहा था, इसलिए फिर हमने बिना 0 लेके किया। तो यहाँ से ई टू द पावर 4x आ गया, ठीक है। और सी को यहाँ पे अगर आप सी भी रखेंगे तो सी को मैंने सिंपलिसिटी के लिए 1 कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे को पी एक्स की वैल्यू पता, अब तो पी एक्स की वैल्यू -4 होगी, तो ये तो आपका थ्रू आउट फॉर ऑल एक्स -4 ही हो गया। तो आप पी 0 पे फाइंड आउट कीजिए, पी 1 पे फाइंड आउट कर दीजिए, किसी भी पॉइंट पे पता करिए, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो -4 ही हो जाएगी, ठीक है। ओके सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग।